So hello everyone and welcome back to my channel. In today's video, I have brought for you some very updated and new topics. अक्सर बच्चों का ये सवाल होता है कि मैम जो नए नए questions आ रहे हैं, हम लोग पेपर देने जा रहे हैं, वो हम लोग कैसे कवर करें? जैसे जैसे आपके सामने नए concepts या questions आते जाते हैं, उसमें से आपको topic extract करना है and उसको आपको पढ़ के जाना है, because there is a possibility कि वो नए topics आगे जाके आपके नए syllabus का part बन जाते हैं. And यही चीज हम लोग आज के video में करने वाले हैं. As you can see on your screens, I am going to talk about three such topics, which is soft capitalism, late capitalism, and multinational capitalism. तीनों से आपके latest exam में question पूछे गए हैं. So it is very, very important for you to take note of it. आपको internet पे इससे related कोई भी data नहीं मिलने वाला है, and nobody is going to tell you कि ये अब आपके नए syllabus का part बनने वाला है. So it is very important that we take a look at these particular topics. On that note, let's begin. So before jumping into types of capitalism, we will first see the basics of capitalism, कि आखिर capitalism और एक capitalist society क्या होती है. अगर आपको ये concept आज तक नहीं पता था, तो बहुत ही simple भाषा में I am going to explain you. Capitalism या फिर एक capitalist society एक ऐसा economic system होता है जहां पे आपका business individually owned होता है and government owned नहीं होता है. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि capitalism is an economic and social system in which the individuals, मतलब कि आप अपने business के owner होते हो, government नहीं होती है, ना ही कोई central entity होती है. जब आप अपने business के owner हो, तो आप अपने business के production, distribution, exchange of goods and services को खुद control करते हो, and इसी को हम लोग capitalist society कहते हैं. The basic thing in your capitalist सोसाइटी इज अर्निंग प्रॉफिट. आप अपने बिजनेस के ओनर हो, उसकी प्रोडक्शन देखते हो, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो, आप इनोवेटिव आइडियाज करते हो. किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए. भाई प्रॉफिट आजकल सबको चाहिए, एंड इसी पर्टिकुलर थॉट को, जिसको हम लोग प्रॉफिट कमाने की इच्छा, जो कुछ भी हो जाए मुझे अपना प्रॉफिट चाहिए, इसको हम लोग कैपिटलिस्ट सोसाइटी बोलते हैं. बहुत ही सिंपल भाषा में आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझ में आने वाला है. जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर इज अ पर्सन जो लेमोनेड बेचता है. सपोज आप हो, आप लेमोनेड या फिर शिकंजी बेचते हो, तो ये एक पर्टिकुलर पर्सन है जो 5 रुपए की लागत लगा के एक ग्लास ऑफ आपका, ये तो कौन बन गया, आई विल मेक अ ग्लास ओवर है, कि दिस इज दैट पर्टिकुलर पर्सन जो एक ग्लास आपको शिकंजी बेचता है 10 रुपए में, एंड इसके एक ग्लास की लागत लगती है 5 रुपए. तो जाहिर सी बात है, इसने कितना प्रॉफिट कमाया? 5 रुपए का इसने प्रॉफिट कमाया. ये अपने बिजनेस का क्या है? ओनर है. आप अगर शिकंजी बेच रहे हो, तो आप अपने बिजनेस के ओनर हो. ये बिजनेस आपका, ना गवर्नमेंट आपका कंट्रोल कर रही है, ना ही कोई और सेंट्रल एंटिटी. तो भैया आप ओनर हो, तो आप ही इसका प्रोडक्शन देखोगे, आप ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, आप ही इसका प्रॉफिट पाओगे. अगर कोई कंपटीशन आगे आ जाता है, तो आपको ही इनोवेटिव आइडियाज इसके अंदर लाने पड़ेंगे. इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलिज्म. कंपटीशन की बात हो ही रही है, तो हम लोग एक कंपटीशन वाला एग्जांपल भी देखेंगे कि आप तो बढ़िया शिकंजी बेच रहे थे अपने 10 रुपए पर ग्लास के हिसाब से, पर आप ही के सामने एक और एक बंदा शिकंजी की दुकान खोल के बैठ जाता है. जाहिर सी बात है कि व्हेन देयर इज अ पर्सन हु इज सेलिंग द सेम थिंग, तो लोग उसके पास जाएंगे कि दोनों में हम कंपैरिजन करके देखें, एंड इससे आपके जो ग्राहक है, आपके जो कस्टमर्स है, आर गोइंग टू गेट डिवाइडेड एंड लेसन डाउन. आपका प्रॉफिट कम होने लगेगा. अपने प्रॉफिट, अपने बिजनेस को वैसे का वैसा चलाने के लिए आप क्या करोगे कि जो ग्लास आप बेच रहे थे, उसको इनोवेटिव आइडियाज यूज करके आप सुंदर बना लोगे. बड़ी सी उसमें किरकिरी लिखी हो, या फिर उसमें आप कुछ भी और नए इनोवेशंस कर सकते हो. आप अपनी दुकान में बड़ी सारी झालर लगा लोगे, लाइटिंग कर लोगे. बेसिकली आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो हर इनोवेटिव क्रिएटिव आइडिया को इस्तेमाल करोगे कि आपका प्रॉफिट वहां से बरकरार रहे. तो इसी चीज को हम लोग कैपिटलिज्म बोलते हैं, जहां पे आपका प्रोडक्शन, जहां पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन, आपका प्रॉफिट और आपके कंपटीशन, इनोवेटिव आइडियाज इन्वॉल्व होती हैं. और ये सारी चीजें, ये दोनों चीजें, भाई आपने दुकान खोली है तो क्या करने के लिए की है? प्रॉफिट कमाने के लिए. सीधी सी ये बात हुई कि आपका कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पे आप अपने बिजनेस को ओन करते हो, रन करते हो, क्या करने के लिए? पैसा कमाने के लिए. अब हम लोग आ जाते हैं सॉफ्ट कैपिटलिज्म के ऊपर, जिसमें से रीसेंट एग्जाम में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं. सबसे पहली चीज जो आप लोग को
पॉइंट इन करनी है या ध्यान में रखनी है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपके ब्रिटिश ज्योग्राफर एंड एकेडमिशियन नाइजल थ्रिफ्ट ने दी है। ये नाम आप लोगों को याद कर लेना है बिकॉज ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। सॉफ्ट कैपिटलिज्म इज द टर्म ही इज एसोसिएटेड विद, और ये ग्रीन से जो लिखा है ये इनकी किताब का नाम है। हमारे यूजीसी नेट में पूछा जाता है ना कि ये जो टर्म है वो कौन सी किताब से आया है, तो आप अपने नोट्स में इसको अपडेट कर सकते हो कि इस किताब सॉफ्ट कैपिटलिज्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ इफेक्टिव रिलेशंस के बुक के अंदर इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया है। अब ये सॉफ्ट कैपिटलिज्म है क्या? बड़ा सॉफ्ट है ये छूने में, ऐसी बात नहीं है। हम लोग अभी तक एक ऐसे कैपिटलिज्म को देख रहे थे जहां पे हम लोग सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहे थे, क्या करके इनोवेटिव आइडियाज को वो करके आप प्रोडक्शन अपना इंक्रीज कर सकते हो, आप कॉम्बो ऑफर्स दे सकते हो, बेसिकली आप कुछ भी करके प्रॉफिट कमाते हो। सॉफ्ट कैपिटलिज्म नाइजल थ्रिफ्ट के अकॉर्डिंग आजकल की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में चलने वाला एक ऐसा कैपिटलिज्म है जिसका अब नजरिया बदल रहा है। आप प्रॉफिट कमाने के लिए ना सिर्फ डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज रखते हो बट इनटैंजिबल एसेट्स को बेचते हो। इनटैंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको आप छू नहीं सकते फिजिकली, एंड वो क्या है, आपके इमोशंस, आपसे रिलेशनशिप बनाते हैं ये, एंड उसी के जरिए ये इनटैंजिबल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं और आपको अपना सामान बेच के चले जाते हैं। थोड़ा सा और हम लोग देखेंगे कि थ्रिफ्ट का ये जो आइडिया है सॉफ्ट कैपिटलिज्म का, ये कहते हैं कि एक शिफ्ट है फ्रॉम कैपिटलिज्म जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही थी, सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन अब ये लोग आपको अपना सामान बेचते हैं मैन्युपुलेशन करके आपके इमोशंस को, एक्सपीरियंस को और सोशल रिलेशनशिप्स को। आई विल गिव यू वेरी गुड एग्जांपल्स आफ्टर दिस, आप पहले इसको समझ जाना। तो इन सारी चीजों को बेटा हम लोग बोलते हैं इनटैंजिबल एसेट्स, जिसको आप छू नहीं सकते हो, उसको हिट करके ही आपको अपना सामान बेचते हैं, अपनी क्रिएटिविटी, आपसे कनेक्शन बैठा के, आपके आपके और इनके ब्रांड के बीच में एक इमोशनल एक्सपीरियंस को ये जोड़ देते हैं, जिनकी वजह से आप इनका जो ब्रांड है या इनका प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा खरीदने लगते हो। बहुत ही इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका डव। डव एक सोप है, आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे डव कैसे बिकता था, कि पहले वो एक नॉर्मल सोप को दिखाते थे, देन डव को सामने रखते थे और एक पीएच स्ट्रिप को दिखाते थे कि ये वाला साबुन तो एसिडिक है, हम लोग का न्यूट्रल है, त्वचा को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये बहुत टाइम तक इनकी स्ट्रैटेजी रही। अब ये सॉफ्ट कैपिटलिज्म पे आ गए हैं और दिखाते हैं कि पहले की जो एक्ट में हम लोग सिर्फ सुंदर सुंदर लड़कियों को ऐसे त्वचा अपनी दिखाते हुए देखते थे, लेकिन अब की आपकी एक्ट में ये लोग एक ऐसे फिगर को भी ले सकते हैं who is having a lot of weight, ठीक है, एक ऐसी लेडी को ये ले सकते हैं जिसके बहुत सारे रिंकल्स हो, और ये बोलते हैं रियल ब्यूटी, मतलब कि ब्यूटी तो सबके अंदर है, कोई किसी भी रंग का हो, किसी भी साइज का हो, किसी भी कास्ट का हो, वो ब्यूटीफुल है। अब आपके डव ने क्या किया कि आपका इमोशनल कनेक्शन जोड़ दिया अपने साबुन और अपने प्रोडक्ट्स के साथ। अब आप खुद जब फील करते हो कि मैं किसी भी साइज की हूँ, शेप की हूँ, मेरे अंदर कोई भी खामियां है, आई एम ब्यूटिफुल, ये आपके इमोशंस को सेल करके, इमोशंस को टारगेट करके अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं सॉफ्ट कैपिटलिज्म। ऐसे ही कई सारे एग्जांपल्स आपको अदर ब्रांड्स के भी मिल जाएंगे। कोका कोला ने शेयर अ कोक कैंपेन चलाई थी जिसके अंदर वो लोग अपनी बॉटल्स पे पापा, भाई या बहुत सारी कस्टम चीजों को लिखा करते थे, जिसकी वजह से इनकी सेल बढ़ गई थी। देन अनदर वेरी वेरी गुड एग्जांपल वी हैव इज टाटा सॉल्ट, देश का नमक। भैया आप इंडिया में रहते हो तो ये है देश का नमक, एंड ये जब आपकी ब्रांड वैल्यू के साथ इमोशंस को जोड़ दिया तो इनकी सेल बढ़ गई। देन पार्ले जी हम लोग बचपन से खाते आ रहे थे, बट अगेन इन्होंने क्या किया, कैंपेन को जोड़ दिया जी माने जीनियस। तो अब भाई जितने लोग अपने आप को जीनियस समझते हैं वो जाके पार्ले जी का पैकेट उठा लेते हैं। दिस इज व्हाट वी कैन कॉल इज सॉफ्ट कैपिटलिज्म, जो प्रॉफिट कमाने के लिए अब आपके क्रिएटिव या कॉम्बो ऑफर्स को नहीं ढूंढ रहा है, ये आपके इमोशंस के ऊपर टारगेट कर रहा है एंड आपसे सोशल कनेक्शन एक अच्छा बैठा के अपने ब्रांड को बेच रहा है। आई होप दिस इज क्लियर, ये नया कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है हम लोग का लेट कैपिटलिज्म। सबसे पहले तो यू हैव टू कीप इट माइंड कि ये आपका लेट कैपिटलिज्म दिया है टर्म अर्नेस्ट मैंडल ने, जो एक मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट है, थ्योरिस्ट है, और ये
में आपके सर्च करते रहते हैं आपके कैपिटलिज्म के बारे में, और इन्होंने लेट कैपिटलिज्म को एक फेज बताया है, ना कि एक टर्म। जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो बचपन से लेकर अभी तक के हम लोग के फेज होते हैं ना, इन्फेंसी आती है, देन हम लोग की चाइल्डहुड आती है, फिर एडोलेसेंस, देन हमारी अडल्टहुड आती है, तो हमारी लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट फेज होते हैं। ये बताते हैं कि कैपिटलिज्म के भी बहुत सारे आपके फेज होते हैं, जिसमें से एक आपका लेट कैपिटलिज्म है। तो ये एक स्टेज है, हम लोग को पता लग गया है, पर लेट कैपिटलिज्म आखिर में है क्या, बहुत ही इजीली आपको समझ में आने वाला है। इनके अकॉर्डिंग लेट कैपिटलिज्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला, ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ये ग्लोबल कनेक्शन बैठाते हैं, ये लार्ज कॉरपोरेशंस का यूज करते हैं, कंज्यूमरिज्म को बड़ा बढ़ावा ये देते हैं, फाइनल स्पेक्यूलेशंस करते हैं, इनइक्वालिटी जिसकी वजह से भी होती है, एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस हमारी सोसाइटी पे बहुत बड़ा लेट कैपिटलिज्म का पड़ता है। इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को ये कहते हैं कि एक तो हो गई हमारी कैपिटलिज्म, वो पुरानी हो गई। लेट कैपिटलिज्म हमारी क्या है, एक इवॉल्व्ड स्टेज है। हम लोग पहले होमो सेपियंस जैसे, हम लोग का एक चिंपैंजी जैसा शरीर था, फिर हम लोग की स्पीशीज क्या हुई, इवॉल्व होके हम लोग इंसान बन गए। सेम उसी तरीके से कैपिटलिज्म आपकी पुरानी स्टेज है, लेट कैपिटलिज्म उसकी एक नई इवॉल्व्ड स्टेज आपकी आ जाती है। इसको भी हम लोग एक बहुत ही इजी एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। आपके सामने है एक पर्सन जो एक स्ट्रीट फूड बेचता है, क्या बेचता है, आपके बड़े टेस्टी बर्गर। इसने अपना नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है और अपने स्ट्रीट फूड, मतलब अपने फूड ट्रक में ये सड़क पे स्ट्रीट फूड बेचता है, बर्गर बेचता है। अब ये एक स्मॉल वेंडर है, एक स्मॉल बिजनेस है, लेकिन इसका बर्गर लोगों को इतना पसंद आता है कि ये रातों रात इसके बर्गर बहुत बिकते हैं, इसके पास बहुत सारा कलेक्शन जमा हो जाता है, और इसको आइडिया आता है कि क्यों ना स्ट्रीट फूड से, स्ट्रीट बर्गर से मैं अपने इसी स्वाद से एक ब्रांड बना लूं, और ये मैकडॉनल्ड्स का ब्रांड को लॉन्च करता है, इसका मालिक बन जाता है। इसको बनाने के बाद ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज करता है। भाई जब ये स्मॉल वेंडर था तो अपने ही स्ट्रीट फूड को अपने ही फूड ट्रक में पैटी बनाता था, सॉस घर से बना के लाता था, सब कुछ खुद से करता था। भाई अब इसकी ब्रांड वैल्यू हो गई, बड़ा इसने रेस्टोरेंट खोल दिया है, अपना एक चेन खोल दी है इसने, तो ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करेगा। ये कई सारी मशीनें इसे लेके आएगा, ऐसी फैक्ट्रीज डाल देगा जहां पे इसके खुद के कस्टम बन बनाए जाएंगे, खुद की कस्टम इसकी सॉस बनाई जाएगी, तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करेगा। फिर इतना इसका ये बढ़ने के बाद ये अपनी एक फ्रेंचाइजी चेन खोल देगा कि अगर आपको भी मैकडॉनल्ड्स अपने शहर में चाहिए या आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो भाई 5 करोड़ की फ्रेंचाइजी आपको मिलेगी। देन आपको और बर्गर ये बेचने के लिए कई सारे कॉम्बो ऑफर्स एंड डील्स आपके सामने लेकर आएगा। इसकी इतनी ज्यादा डिमांड होने की वजह से ये ट्रेड मार्केट में, आपके स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग इसकी होने लगेगी, इसके शेयर्स की, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी भी आपको देखने को मिलेगी। भाई जो अफोर्ड कर सकता है मैकडॉनल्ड्स में जाना, वो इस सोसाइटी के, इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी का पार्ट बन जाता है, जो नहीं अफोर्ड कर सकता है वो आपका इनइक्वल एंड लेफ्ट आउट फील करता है। देन इन्फ्लुएंसेस द कल्चर टुवर्ड्स कंज्यूमरिज्म। आप सब लोग ने देखा होगा कि ये जितनी भी बड़ी-बड़ी ब्रांड वैल्यूज कंपनी है, कई सारे ऑफर्स एंड कई सारे इनोवेशंस को लेके आती हैं, जिसकी वजह से आप कंज्यूमरिज्म की टुवर्ड्स जाते जाते हो। आपको पेट में भूख भी नहीं होती है, मैकडॉनल्ड्स दिख गया, चलो भाई चले जाते हैं। तो ये है इनकी स्ट्रैटेजी, और इसको हम लोग कहते हैं लेट कैपिटलिज्म। इसके बाद हम लोग का आता है मल्टीनेशनल कैपिटलिज्म, जो कि आपका टर्म दिया है फ्रेडरिक जेम्सन ने। हम लोग फ्रेडरिक जेम्सन को मार्क्सिज्म के अंदर भी पढ़ते हैं, एंड आप अगर फ्रेडरिक जेम्सन को जानते हैं तो इनका और कैपिटलिज्म का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है, बिकॉज ही ऑलवेज ट्राइज टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप्स, द कॉजेस एंड द इफेक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म ऑन योर करंट कल्चर एंड योर सोसाइटी। मल्टीनेशनल कैपिटलिज्म के अंदर ये बोलते हैं कि आप, ये रिलेशनशिप बनाता है बिटवीन ग्लोबल कैपिटलिज्म एंड कल्चरल प्रोडक्शन। कल्चर में क्या क्या आपका नया आ रहा है, लोगों की क्या क्या नई हैबिट्स हैं, क्या लोग आजकल पसंद कर रहे हैं, उसको, उसके बारे में ये बात करते हैं। मल्टीनेशनल, हम लोग को पता है कि ऐसी एमएनसी, बड़ी सी कंपनी होती है जो ग्लोबली आपकी एक्सपैंड हो जाती है एंड आपके एक वक्त के बाद डोमिनेट करने लगती है आपकी पूरी वर्ल्ड के अंदर। जैसे हम लोग बड़ी बड़ी मैकडॉनल्ड्स या फिर किसी और कंपनी का नाम ले सकते हैं। इनकी, इनका काम ही होता है कि
अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज चले जाना कि जहां से इन्होंने स्टार्ट की थी ये फिर पूरी दुनिया में फैल जाते हैं, देन एक्सप्लॉइट करते हैं रिसोर्सेज को कि इनको अपना बिजनेस चलाना है, इनको अपना प्रॉफिट चाहिए, ये हर देश के रिसोर्सेज को बहुत ही बुरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत ही कम वेजेस देके इनको अपने अंडर काम कराते हैं, खुद तो करोड़ों अरबों का प्रॉफिट कमाते हैं, इनकी जो लेबर होती है बहुत ही चीप लेबर का इस्तेमाल ये करते हैं, देन मार्केट को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। इसका बहुत ही फेमस और अच्छा एग्जाम्पल है आपका स्टारबक्स। आई हैव नेवर बीन टू स्टारबक्स बिफोर, अगर आप लोग में से आप कभी गए हो तो बताना। स्टारबक्स ना बिल्कुल एक अमीरों वाला ब्रांड है। आप देखते होंगे इन्फ्लुएंसिंग की दुनिया में कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो स्टारबक्स को, स्टारबक्स में जाते हैं, स्टारबक्स को बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट करते हैं। ये एक कॉफी चेन है एंड इनके कई सारे आपके प्रोडक्ट्स हैं जो ऑल ओवर 80 कंट्रीज में फैला हुआ है। इसकी ह्यूज सप्लाई चेन है, बिग कल्चरल इन्फ्लुएंस का ये काम करता है कि ये अमीरों की कॉफी शॉप आप बोल सकते हो कि जो भी अमीर हो जाता है, पहले तो वो 30 रुपए की कॉफी कहीं से भी पी लेता था, लेकिन अमीर हो जाने के बाद भैया एक बार की 550 की लाटे कैपुचिनो कॉफी वो पीने जाता है, विच इज वर्थलेस, लेकिन वो अपने आप को एक ब्रांड वैल्यू से एसोसिएट करता है। सेम गोज विद योर आईफोन। आईफोन की आपको जरूरत हो चाहे नहीं हो, पर नया आईफोन आया है, आपका पुराना आईफोन अच्छा खासा चल रहा होगा, पर नया जैसे ही लॉन्च होगा सब दौड़ते हैं उसको जाके ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ब्रांड वैल्यू से अपने आप को एसोसिएट करना चाहते हैं, अपने आप को ऊपर देखना चाहते हैं। तो ये जो आपके मल्टीनेशनल कैपिटलिज्म होते हैं, यहाँ पे कई सारे डिबेट्स होते हैं कि आप बुरी कंडीशंस में अपने लेबर को रख के खुद तो प्रॉफिट अपना कमा के चले जाते हो। एंड दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म, हमारा सॉफ्ट कैपिटलिज्म, लेट कैपिटलिज्म एंड मल्टीनेशनल कैपिटलिज्म। आइए आपके सामने अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और देखेंगे कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, क्या हम लोग उसको बना पा रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर वन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइंड द फ्रेज सॉफ्ट कैपिटलिज्म। हम लोग ने देखा कि सॉफ्ट कैपिटलिज्म का जो फ्रेज है हमारे नाइजल थ्रेफ्ट ने कॉइन किया है, एंड उन्होंने प्रॉफिट के साथ साथ इनटैंजिबल गुड्स को भी बेचना और इमोशंस और कनेक्शंस के बारे में इन्होंने बात की है कि जिसके जरिए आपके जो ब्रांड्स हैं वो आपके साथ एक कनेक्शन बिठा के आपको अपना सामान बेच के चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फ्रेडरिक जेम्सन एसोसिएटेड पोस्ट मॉडर्न कल्चर विद डैश कैपिटलिज्म। तो पोस्ट मॉडर्न कल्चर में जब ये बात करते हैं तो कौन से टाइप के कैपिटलिज्म के बारे में ये बात करते हैं? मल्टीनेशनल कैपिटलिज्म, जो हम लोग ने अभी देखा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन, लेट कैपिटलिज्म पे आपका ये क्वेश्चन आया है। लेट कैपिटलिज्म बाय विच इज मेंट एक्सेलरेटेड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड द मैसिव एक्सटेंशन ऑफ इंटेलेक्चुअली क्वालिफाइड लेबर वॉज फर्स्ट पॉपुलराइज्ड बाय अर्नेस्ट मेंडेल। हम लोग ने लेट कैपिटलिज्म में देखा किस तरीके से वो लोग एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, नए इनोवेशंस और आपके लेबर्स का इस्तेमाल करके एक्सप्लॉइट करके उनको अपना प्रॉफिट कमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एंड दैट वॉज इट। तीन आपके टॉपिक्स पढ़े हम लोग ने, तीन आपके रिसेंट एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आपके सामने आए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे ही और नए नए सिलेबस के टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हो तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक दिखता है जो कभी आपने पहले नहीं देखा लेकिन आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। इन सबसे पहले आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर जरूर से ज्वाइन कर लेना है, बिकॉज आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन एंड लिंक्स डायरेक्टली वहीं पर मिल जाते हैं एंड बच्चे मुझसे वहां पर चैट भी करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। सो थैंक यू सो much for watching. Do let me know कि आपको ये वीडियो कैसा लगा and next आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो। Up till then, bye and take care.